नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। ना तो उन्हें जानवर खाते हैं और वो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और कम देखभाल में आसानी से ही चल जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर से गोबर के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हमारे गार्डन में ये गोबर के फ्लावर खिले हुए हैं। और पूरी गर्मियां बीत गई है लेकिन इस वाइन के फूल कम नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट है चांदनी का प्लांट, जिसको कि टगर भी बोलते हैं और बहुत हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही लग जाता है। और इस प्लांट को आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, या तो आप इसको मेन गेट के बाहर भी लगा सकते हैं। जैसे कि सेक्टरों में ग्रीन बेल्ट होती है तो ग्रीन बेल्ट के अंदर आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, या मेन गेट के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों, इस प्लांट को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट बिल्कुल एक ट्री का आकार देता है और इसमें सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और इसमें जैसे सिंगल पेटल आता है, मल्टी पेटल आता है, वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं और ये प्लांट कटिंग से आसानी से चल जाता है। और दोस्तों, इस प्लांट में कई वैरायटी आती हैं। एक इसमें मिनिएचर वैरायटी आती है और इसमें एक लार्ज वैरायटी भी आती है। तो किसी भी वैरायटी को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और मेन गेट की बात है तो मेन गेट के बाहर तो आप इसकी लार्ज वाली वैरायटी ही लगाएं, या फिर आप इसकी सिंगल पेटल वाले फूलों की लगा सकते हैं, या फिर आप इसके मल्टी पेटल के फूलों की वैरायटी को लगा सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा प्लांट है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो बोगनविलिया का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसको जानवर वगैरह नहीं खाते हैं। और दोस्तों, इसमें कई कलर आते हैं, तो हमारे पास भी दो तीन कलर है। एक आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर पिंक कलर है, और इसमें ये छोटे छोटे से वाइट कलर के ये फ्लावर भी खिले हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसी के पास ये एक लगा हुआ है क्रीमिश कलर के फूलों का बोगनविलिया का प्लांट। तो इसमें वाइन वैरायटी आती है और अब इसमें बुश वैरायटी भी आने लगी है। और बिल्कुल ये मेन गेट के बाहर लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही चल जाता है और इसको देखभाल की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। जितना इसमें हम कम पानी डालते हैं, जितनी कम देखभाल करते हैं, उतना ही बढ़िया ये हमारा प्लांट बोगनविलिया का चलता है। और दोस्तों, मेन गेट के बाहर के लिए लगाने के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट होता है। एक बार इस प्लांट को लगा दें फिर सालों साल ही ये प्लांट हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा चंपा का प्लांट। तो चंपा का प्लांट भी एक बहुत ही बढ़िया परमानेंट प्लांट होता है और इस प्लांट को आप गेट के बाहर आसानी से लगा सकते हैं और कम देखभाल में ये चल जाता है। इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे पिंक कलर के, वाइट कलर के बंच में, और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार अगर इसको हम लगा देते हैं तो कई सालों तक ये हमारे गार्डन में, या फिर आप इसको गेट के बाहर लगाते हैं तो चलता ही रहता है। और इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में। अगर हम इस प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही बड़े साइज़ का ये प्लांट हो जाता है और इस प्लांट को भी जैसे जानवर वगैरह नहीं खाते हैं। और ये थोड़ा सा ना जहरीला प्लांट होता है, इसलिए कोई भी जानवर इस प्लांट को नहीं खाता है और मेन गेट के बाहर लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसमें रेड कलर के बंच में छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि जट्रोफा के प्लांट रोड के किनारे भी लगे रहते हैं और इस प्लांट को भी जानवर वगैरह नहीं खाते हैं और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को अगर आप एक बार अपने गेट के बाहर लगा लेते हैं
तो फिर ये सालों साल तक चलता ही रहता है और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर भी आते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो इस प्लांट को भी आप अपने मेन गेट के बाहर ग्रीन बेल्ट के अंदर लगा सकते हैं या फिर आप इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है कनेर का प्लांट। तो कनेर के प्लांट में जैसे कि लार्ज वैरायटी आती है, डॉफ वैरायटी आती है, बंच में फ्लावर आते हैं, किसी में छोटे साइज़ का फ्लावर आता है, किसी में बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों इस प्लांट को भी आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी जानवर वगैरह नहीं खाते हैं क्योंकि ये प्लांट भी थोड़ा सा जहरीला प्लांट होता है। और दोस्तों ये प्लांट बिल्कुल बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने मेन गेट के बाहर जरूर लगाएं। और अगला प्लांट है फाइकस का प्लांट। तो फाइकस के प्लांट में जैसे दो वैरायटी आती हैं, एक वेरिकेटेड पत्तों वाली आती है और एक ग्रीन लीव्स वाली आती है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं लेकिन ये अपनी पत्तियों के कारण बहुत ही सुंदर लगता है और मेन गेट के बाहर लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और दोस्तों कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग लगाने के लिए बस आपको आगे से 2 से 2.5 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है। तो 8 से 10 दिनों में ही इसकी कटिंग चल पड़ती है। और मेन गेट के बाहर अगर इसको लगाते हैं और इसको एक कटिंग करके एक सुंदर सुंदर सा आकार दे देते हैं तो फिर ये प्लांट बहुत ही बढ़िया लगता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कैना लीली का प्लांट। तो कैना लीली का प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। अगर हम एक प्लांट इसका लगा देते हैं तो फिर हमारे जैसे ग्राउंड में ढेरों प्लांट बन जाते हैं और ग्राउंड को कवर करने के लिए ये प्लांट बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और इस प्लांट को अगर एक बार लगा देते हैं तो फिर ये एक प्लांट से हजारों प्लांट बना देता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे इसमें रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, येलो कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा में कई कलर के फ्लावर आते हैं, येलो कलर के आते हैं और ऑरेंज कलर के, वाइट कलर के और भी इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस प्लांट को और बेबी पिंक कलर के भी इसमें फ्लावर आते हैं क्योंकि बेबी पिंक कलर के फूलों वाला प्लांट भी हमारे पास था लेकिन इस बार तेज़ गर्मी के कारण वो ख़राब हो गया। तो इस प्लांट को भी आप जैसे घर के बाहर मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही लग जाता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये प्लांट रोड के डिवाइडर पे और रोड के किनारे लगे रहते हैं और इनको देखभाल की बहुत ही कम जरूरत होती है। तो रोड के किनारे इन्हें कौन पानी डालता है? कोई भी नहीं, सिर्फ ये बरसात के पानी के सहारे ही खड़े रहते हैं और फ्लावर भी बहुत ही सुंदर सुंदर बंच में देते हैं। तो इस प्लांट को भी आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। एक तो ये फ्लावर देता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और लगा हुआ प्लांट बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही हार्डी होता है और कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। और दोस्तों अगला है हमारा अलमांडा की वाइन। तो अलमांडा की वाइन को भी आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। तो इसको मेन गेट के बाहर लगा दें और अपने फिर जैसे रेलिंग के ऊपर चढ़ा दें तो फिर इसमें
बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ इसमें पत्ते नहीं होते हैं और फ्लावर भी इसमें टिप के ऊपर आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत ही हार्डी वाइन होती है, एक बार लगाने के बाद में सालों साल तक हमारे ये गार्डन में लगी ही रहती है। इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी वाइन ये पॉट में लगी हुई है और फ्लावर इसमें बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, कई कलर के फ्लावर आते हैं। अलमांडा की वाइन में येलो कलर के, पीच कलर के, ऑरेंज कलर के, और कटिंग से आसानी से ही चल जाती है। तो दोस्तों इस वाइन को भी आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं और ये बहुत ही शुभ वाइन होती है। और इसके फ्लावर जब लगे हुए नीचे की तरफ लटकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। और दोस्तों ये वाइन भी थोड़ी सी जहरीली होती है और इस वाइन को भी जानवर वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप इस वाइन को भी अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। और ये भी बहुत हार्डी वाइन होती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा चांदनी का प्लांट, चांदनी नहीं सॉरी कामनी, कामनी का प्लांट। तो कामनी के प्लांट में छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और इसमें जैसे डॉग वैरायटी भी आती है और लार्ज वैरायटी भी आती है। तो इस प्लांट को भी आप मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं और इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे से बहुत ही खुशबूदार फ्लावर आते हैं और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। और कटिंग करके इसको अगर हम एक छोटे ट्री का आकार दे देते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका प्लांट बन जाता है। और शाम के टाइम इसके फ्लावर खिलते हैं वाइट कलर के छोटे छोटे बंच में और इसकी कई वैरायटी आती हैं, जैसे इसमें लार्ज वैरायटी और डॉफ वैरायटी। तो आप मेन गेट के बाहर ज़मीन में लार्ज वैरायटी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो अभी आपको प्लांट बताए हैं ये सभी प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, इन सभी पौधों को आप अपने मेन गेट के बाहर लगा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।